वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटू को ढेर सारा प्यार बड़ों को प्यारी पौना जी। अभी टाइम हो रहा है 3, मैं 3 बजे आपसे मिली हूँ। आज बहुत भागा दौड़ी हुई है क्योंकि 4 बजे से आज ट्यूशन शुरू है, तो मुझे 3 बजे तक नहा धोकर कॉपियाँ चेक करके नाश्ता करके लंच की तैयारी करके रेडी होना था। हाँ, वैसे तो 5 बजे से होती है बट 1 घंटा जल्दी बुला लिया तो सारा काम स्पीड ऑन करना पड़ा, तो काम सारा खत्म हो गया। और आज है हैप्पी डॉटर्स डे, विश यू ऑल वेरी 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 हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज डॉटर्स आर रियली वेरी प्रीशियस एंड गिफ्ट बाय द गॉड। तो बेटियाँ जिनके घर में होती हैं उनको पता होता है बेटियों की कितनी वैल्यू है, एंड आई स्टिल बिलीव दैट डॉटर्स आर द ब्लेसिंग्स। यस, क्योंकि हम भी बेटी हैं तो अच्छी बुरी सब तरह की होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए गाइज, अभी हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं 3 बजे जैसे ही हमें टाइम मिला। और आज मैंने अपनी एक बेटी को, मतलब ट्यूशन की बच्ची को, थोड़ी डांट लगा दी थी छुट्टी करने की वजह से, और मैंने आज उसको 4 बजे बुलाया नहीं। मैंने कहा नहीं तो 5 बजे आएगी, एंड शी क्राइड, मैम प्लीज़ जल्दी बुला लो। तो मैंने बुला लिया उसको, मतलब मारना मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा बच्चों को ऐसी डांट डपट दो ना तो उनको लगता है कि यार हमें इंपॉर्टेंस कम मिल रही है, तो मिलनी चाहिए पूरी, तो इसलिए वो भी आ जाएगी। तो चलिए अभी मैं अपने लिए खाना बना लूँ, मैंने कुछ सब्जी अपने लिए बनाई नहीं, और अब राजमा चावल खा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बट आई हैव एन आइडिया, मैं बनाऊँगी अपने लिए देसी घी की चूरी, एंड आई लव इट, तो प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए बनाते हैं फटाफट 2 मिनट में देसी घी की चूरी। गाइस ये देखिए मेरी चूरी देसी घी वाली रेडी हो गई है, और बाहर से कुछ मंगाने से तो बेटर ही है कि घर में कुछ अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी बना लें, बट जितना टाइम मिलेगा उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये चूरी मैंने मंगवा ली, बना ली, और मैं आपको दिखाना भूल गई थी एक्चुअली, ये मैंने ना टॉवल्स मंगवाए थे, ये देखिए साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत छोटा भी नहीं है। अमेज़ॉन से 10 का सेट, पूरे इसमें मल्टी कलर्स के ऐसे 10 टॉवल हैं छोटे छोटे, 100 रुपीज़ में, तो 10 टॉवल आ गए थे, एक सीज़न में निकल गया है, 2-3 महीने भी चल गए तो पैसे वसूल हैं। तो ये मैं इस तरह दरवाजे पर टांग के रखती हूँ एक आधा, कि हाथ वाथ साफ़ करने के लिए किचन में काम आ जाते हैं। तो चलिए अभी हम चूरी खाते हैं और फिर करते हैं बाकी काम। गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैंने खाना वाना खा लिया, चूरी यम्मी टेस्टी डिलीशियस। मैं जा रही हूँ स्कूटी पे पनीर लेने, शाही पनीर मसाला लेने, और बनानास लेने, और एग्स लेने, क्योंकि ये ख़त्म है बिल्कुल, थोड़े थोड़े इतू सा पनीर, 2 अंडे बस। तो शाम को फिर भागना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि अभी जाके ले आओ, बच्चों को आने में भी आधा घंटा है। मैं 10 मिनट में गई, 5 मिनट में आई, चलिए सामान लेकर आ गई। मैं आपको सामान दिखाती हूँ, और मैं घर पहुँची हूँ, आराम नहाने गया हुआ है, मम्मी मेरे कपड़े रेडी नहीं है, प्लीज़ प्रेस कर दो। मैं कहा चल ठीक है, अभी बच्चों को आने में है 15 मिनट में, 15 मिनट में जाके सारा सामान ले आई, तो मैं फटाफट आयरन कर देती हूँ, वरना कई बार अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो वो कर लेता है। तो सामान क्या क्या था जो हमको मैंने बताया, ये देखो, ये आ गया पनीर 1/2 kg, साथ में शाही पनीर मसाला, ये आ जाए तो काम खत्म, इसमें है बनानास, और ये मुझे मिल गए 2 अंडे, और ये एक मेरे को तेज पत्ता चाहिए था, ख़त्म था, ये मैं खाने में डालती हूँ नॉनवेज वगैरह में, अंडे की ट्रे नहीं मिली तो भी मैं लूज ही ले आई। तो ये फटाफट रख के, ये रहे माशा जी के कपड़े की जिनको प्रेस करना है। गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 9:15, आज ट्यूशन ऑफ हुई है 9:15 बजे, और शुरू हुई थी 4 बजे, तो 4 से 9:15 इसलिए बच गए क्योंकि बाकी बच्चों का मैक्सिमम मैथ्स का एग्जाम है, कुछ मंडे को कुछ ट्यूजडे को, तो आज इसलिए मैं इतना लेट हो गई। और अब मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, आई स्वेयर मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ और मुझे लेटे लेटे ही खाना मिल जाए। वैसे मैंने बर्गर खा लिया पढ़ाते पढ़ाते, एक बच्चे को भेज के मंगवा लिया, तो बहुत भूख लग रही थी, तो बस मैं लेट जाऊँ, मुझे कोई चाय पिला दे, कोई कॉफ़ी पिला दे, और मुझे कोई कुछ काम करने को ना मिले, बोले इतनी टायरिंग हो जाती है इस टाइम हालत। हाँ जी, नहीं घुमा रही मैं, अब मेरा हाल देखो, होलिया देखो कैसे हो जाता है झुमरू सा इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं रूम समेट लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस हुआ पड़े, उसके बाद मैं अपना होलिया ठीक करती हूँ, और फिर मैं रात के खाने के लिए, ज़्यादा टंटा है नहीं, आज बनाना क्या है, कौन सा शाही पनीर बनाना है, 5 मिनट में रेडी, तो चलिए लगते हैं काम पे। और मैं मेरे हस्बैंड के आने से पहले ना 5 मिनट लेटूंगी ज़रूर। मेरी रूम समेटा समाटी हो गया, और बर्गर खाने के बाद से ना बर्गर यहाँ पे है, नीचे ही नहीं होने को आ रहा, खाते ही मैं बढ़ाने बैठ गई थी, तो ना अब रात को मेरा तो कुछ नहीं खाने का मूड हो रहा। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अभी मैंने पनीर बनाना है, बट पनीर 5 मिनट बन जाना है, तो चलिए मैं रसोई में रखती हूँ, अपनी जटाएँ बांधती हूँ और फिर बनाती हूँ पनीर। इस देखिए मेरी स्पीड, मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज कर रहे हैं, और हमारा शाही पनीर रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्याज टमाटर के मसाले में, सोनू वॉल्यूम कम करो ज़रा,
ये तो मेरे से बोला नहीं जा रहा ना, सच में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा गला ठीक होता है कि निकम नलायक चिकवा चिकवा के मेरी गले की बैंड भिजवा देते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो मेरा गला है ना वो एग्जाम्स के बाद ही ठीक होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सोच नहीं सकते कि पढ़ाते समय मैं अपना टेम्पर कितना मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ, यू जस्ट कांट इमेजिन। मैं स्टूपिडिटीज बताऊँ ना आपको, पूरा कट्टा भर लाएंगे लेकिन जो एग्जाम होगा वही किताबें गायब होंगी, तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, रहने दो। चलो, तो मैंने प्याज टमाटर के मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये शाही पनीर मसाला, काम खत्म, वेरी इजी टू कुक। और ये देखिए मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ फ्रॉम द बैक कैमरा, ये देखिए गाइस, तो ये बन गया शाही पनीर। मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, मंगाया तो मैंने आधा किलो पनीर था, बट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ही टाइम खाएंगे, उनको ये बार बार पनीर तो पसंद आएगा नहीं, ज़्यादा पनीर खुश होकर खाते नहीं है, और मैंने खाना नहीं क्योंकि मेरा तो बर्गर खा के पेट फुल हो गया, तो बस मैंने इसीलिए थोड़ा आधा बना लिया और आधा ये पड़ा है, कल काम आ जाएगा। तो ये है शाही पनीर, रेडी टू ईट, इजी। आधी रात को भूख ना लगे ना, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये हरी वाली छिलके वाली दाल और चावल जो खिचड़ी वाले होते हैं वो भिगा के रख दिया, मैं खिचड़ी बना लूँगी। और मैं बहुत देर से ना ये वाली अनारदाने की गोलियाँ खा रही हूँ क्योंकि बर्गर बहुत हैवी हो गया, मेरे तो अंदर ही नहीं जा रहा, सब गले में अटका हुआ ऐसा लग रहा है। गाइज़, मुझे याद आया कि मेरे पास काला खट्टा फ्लेवर भी तो पड़ा हुआ है, मैं ये बनाती हूँ पानी में और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के पीती हूँ, थोड़ा सा डाइजेस्टिव हो जाएगा। चलिए बनाएं काला खट्टा। ये देखिए इनडाइजेशन का इलाज, सीरियसली ब्रो मैं नहीं खाने वाली, एक बर्गर नहीं मेरे अंदर जा रहा, मैं बड़ी परेशान हो गई, अब काला खट्टा बना के पीने लगी हूँ, बैडली नीडेड इस टाइम। तो बस आगे मेरे मुँह में पानी आ रहा है, पहले मैं पी लूँ, वेट, इज बैडली नीडेड काला खट्टा। पता इसका मतलब क्या है, इतने गिलास ऑफ चीनी ऐसे पी लिए? अरे चुप कर जा, मेरा नाम बर्गर, शुगर लेवल बर्गर बर्गर नहीं आ जा मोरा, बड़ी परेशान हो गई एक्चुअली। गाइस, मम्मी के लॉजिक से बर्गर हजम करने के लिए हमें खाना चाहिए चीनी। देखो नहीं, मैं चीनी इतनी खाती नहीं, अजीब क्यों है, क्योंकि कोल्ड हो रहा है इसीलिए। तो मैंने ना खाते में बैठ गई, हजम हुआ नहीं, वो पेट में घूम रहा है इधर से उधर, डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो इसलिए काला खट्टा एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं पी लेती हूँ और फोन देती हूँ थोड़ी देर आरफ को।